ज़ोंबी वायरस पैंडेमिक, क्या ये सिर्फ फिल्मों और वीडियो गेम्स की बात है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक सच्चाई भी है? आइए जानते हैं इसके बारे में। ज़ोंबी का विचार पहली बार वेस्ट अफ्रीका और कैरेबियन संस्कृति में पाया गया। ज़ोंबी शब्द नज़म्बी से आया है, जिसका अर्थ होता है भगवान। इस अवधारणा ने समय के साथ पॉप संस्कृति में अपनी जगह बनाई, खासकर हॉलीवुड फिल्मों में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वास्तव में ज़ोंबी वायरस संभव है? विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कुछ वायरस और बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमें ज़ोंबी जैसा व्यवहार करने पर मजबूर कर सकते हैं। चलिए कुछ प्राइम एग्जांपल्स पर नज़र डालते हैं। नंबर वन इज़ रैबीज़ वायरस। रैबीज़ एक ऐसा वायरस है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये संक्रमित व्यक्ति या जानवर के काटने से फैलता है। रैबीज़ का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकता है, जैसे उसे उत्तेजना, हिंसा और भ्रम की स्थिति हो सकती है। हालांकि ये वायरस इंसानों को ज़ोंबी जैसा नहीं बनाता, लेकिन इसके लक्षण कुछ हद तक मेल खाते हैं। नंबर टू इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक परजीवी है जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये परजीवी चूहों के ब्रेन को प्रभावित कर उन्हें बिल्लियों के प्रति आकर्षित करता है, जिससे उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये परजीवी इंसानों में ज़ोंबी जैसा व्यवहार नहीं उत्पन्न करता, लेकिन ये ब्रेन में प्रभाव डालता है। नंबर थ्री इज ओफियोकोर्डाइसेप्स। ओफियोकोर्डाइसेप्स एक प्रकार का फंगस है जो कीड़ों के ब्रेन को संक्रमित करता है और उन्हें अपने नियंत्रण में ले आता है। ये फंगस कीड़े को ऊंची जगहों पर चढ़ने के लिए मजबूर करता है, जहां पर वो मर जाते हैं और फंगस के बीजाणु फैलते हैं। हालांकि इस प्रकार का संक्रमण अभी तक इंसानों में नहीं पाया गया है। जीनोम एडिटिंग तकनीक जैसे कि CRISPR ने जीव विज्ञान में क्रांति ला दी है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक DNA में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि इसका दुरुपयोग एक बड़ा सवाल है। क्या इस तकनीक का उपयोग करके एक ज़ोंबी वायरस बनाया जा सकते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये संभव है, लेकिन इसके नैतिक और कानूनी पहलू भी हैं। ऐसे किसी भी संभावित प्रकोप से बचने के लिए हमें सतर्क रहना होगा, अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता का पालन करना, वैक्सीन लगवाना और समय समय पर चिकित्सा जांच करवाना महत्वपूर्ण है। सरकारों का भी इसके लिए तैयार रहना होगा और आवश्यक कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो ज़ोंबी वायरस प्रकोप के बारे में। ये विषय जितना रोचक है उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।